हेलो गाइस, तो आज भूकंप आया था नोएडा में और अचानक से मैं सोई थी और अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। तब तक मेरा बेड हिलने लगा तो हमें लगा कि क्यों यार बेड क्यों हिल रहा है। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा हिल रहा है, तो मुझे लगा कि कोई भूत ऊत का चक्कर होगा। मुझे तो डर लगने लगा, क्या यार इस रूम में क्या है, भूत तो नहीं है, इसलिए मुझे डर लगने लगा। और मेरा तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है इसीलिए। तो फिर उसके बाद मैं दोस्त से बोली कि मेरा बेड क्यों हिल रहा है यार, ऐसा लग रहा है मैं हिल रही हूँ। तो वो बोली कि दीदी ऐसा है कि आपका तबीयत ख़राब है इसलिए आपको लग रहा होगा वैसा। तो हम बोले नहीं यार। फिर उसके बाद मैं पति को अपने फ़ोन की, वो ड्यूटी में ही थे, तो उन्होंने बोला भूकंप आया था। मैं बोले भूकंप आया था, कब आया था? तो कह रहे अभी अभी जस्ट अभी अभी भूकंप आया, न्यूज़ देखो। ओहो, तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा जो बेड हिल रहा था मेरा, भूकंप के वजह से ही बेड हिल रहा था। तो फिर उसके बाद मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कोई भूत ऊत तो चक्कर नहीं है इस रूम में। फिर उसके बाद गाइस सच में क्या बताएं, ओ माय गॉड, 11:30 के करीब भूकंप आया था हमको लग रहा है। उतना टाइम मुझे तो पता नहीं है, पर 11:30 के ही करीब भूकंप आया था। और कहाँ कहाँ आया था गाइस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ भूकंप आया था। गाइस मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, और क्या बताऊँ, मैं तो अकेली थी और बहुत हल्ला हो गया था। और फिर जाके मैं न्यूज़ पे भी सर्च की, बहुत सारा वीडियो आ गया है। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में नोएडा में हूँ और भूकंप आया था, मैंने महसूस किया और मैं डर भी गई हूँ। क्या बताएं, सच में गाइस मैं बाहर नहीं निकली, रात था, मैं अकेली थी ना, बाहर निकल ही जाती, पर शहर है इसलिए मैं डर रही थी, मैं अंदर ही अंदर थी। पर मैंने महसूस खुद से किया है, मैंने देखा मेरा पलंग हिल रहा था तब। तो गाइस आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, मेरे मोबाइल में आवाज़ सही नहीं, क्लियर नहीं आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, पर सच में भूकंप आया था। ओ माय गॉड, कहाँ कहाँ से चला होगा, कहाँ कितना तबाही मचाया होगा, यहाँ तो महसूस ही हुआ।